हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश बन हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही इजीली आप बना लोगे किसी ऑल फेस पे। आई थिंक ये सूट करेगा, आप ट्राई ज़रूर कर लेना। एंड वेडिंग में, पार्टी में, शादियों में, फंक्शन है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। घर में छोटा मोटा सा पूजा है, छोटा सा कोई फंक्शन है तो आप ये हेयर स्टाइल, तीनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। किस तरीके से बनाना है सब कुछ आपको वीडियो मिलेगा। बहुत ही आसानी से आप ये तीनों हेयर स्टाइल बना सकते हो और बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल पे जरूर जाइएगा, वहाँ पे सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ये वाला ड्रेस भी मैंने मीशो से मंगाया था और ये मैंने खुद से स्टिच किया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी से स्टिच किया। इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोज मेरे सेकंड चैनल पे आपको मिलेंगी सिलाई कोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टा आई डी PreetiY24 है, तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हेयर स्टाइल में हमको क्या करना है, सिंपली पहले अच्छे से बालों को कॉम कर लेंगे और एक अच्छे से सुलझा लेंगे पूरे बालों को, फिर ऊपर की तरफ से कॉम करके एक पफ बना लेंगे। पहले मैं अच्छे से रमी के हेयर को सुलझा ले रही हूँ, उसके बाद से यहाँ पे एक पफ बनाएंगे इस तरीके से कॉम करके बालों को। तो यहाँ पर इस तरीके से बालों को लेंगे एंड हल्का सा कॉम करके और नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे, जिससे कि हमारे स्कैल्प ना दिखे इस तरीके से, और ऊपर की तरफ पुल करके यहाँ पे पफ बना देंगे और बॉबी क्लिप से इसको सेट कर देंगे। बहुत अच्छे से आपका इजीली पफ बन जाएगा, ओरिजिनल हेयर पे भी सेम तरीके से बन जाएगा। फिर ईयर के पास के हेयर को लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करके आपस में ट्विस्ट कर देंगे इस तरीके से, और क्लिप के ऊपर ले जाके इस तरीके से क्लिप जो हमने लगाई है उसके ऊपर से ले जाके ऐसे लगा देंगे। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है, ओके, और क्लिप के ऊपर सेट कर देंगे। अगर ये अच्छे से नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे एक आप क्लिप अटैच कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरीके से पकड़ के नीचे में एक क्लिप लगा देंगे, ओके। इस तरीके से आप करोगे तो आपकी क्लिप्स जो है वो दिखेंगी भी नहीं। और उसके बाद से आपको सारे बालों को लेना है, एक पोनी बना लेनी है। बहुत ही खूबसूरत से तीन ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल बता दी हूँ, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगेंगे, काफ़ी आसानी से बना लोगे और बहुत बहुत ही अच्छे दिखेंगे। पार्टी में, वेडिंग में, शादियों में आप ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो। यहाँ पे पफ थोड़ा सा नीचे दिख रहा था तो टेलकॉम से मैंने पफ को थोड़ा सा ऊँचा कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली थोड़े थोड़े हेयर्स को लेना है, हेयर का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरीके से कॉम करके और इसको इस तरीके से अपर की तरफ से रोल नहीं करना है, अंदर की तरफ से इस तरीके से रोल करना है, ओके। इस तरीके से रोल करके यहाँ पे दो क्लिप से लेके इस दो बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे, ओके। दोनों तरफ से क्लिप लगा दीजिएगा ताकि ये बाद में खुल ना जाए रोल आपका। अब इसी तरीके से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेंगे और रोल बना देंगे बालों का, इस तरीके से कॉम करेंगे फिंगर में, इस तरीके से लपेटते हुए ला के यहाँ पर रोल बना देंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करना है, दो दो क्लिप्स आप लगाते जाइएगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये हेयर स्टाइल चाहिए तो। यहाँ पे भी लगा देंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी से ये। अब नीचे में भी एक रोल इसी तरीके से बनाएंगे और लगा देंगे, अच्छे से रोल करेंगे और यहाँ पे क्लिप से सेट कर देंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ गया था। अब इस तरीके से लगा लेंगे दोनों साइड से। अब आपको क्या करना है, जो सेंटर के हेयर बचे हैं उनको सिंपली एक चोटी बना लेंगे, सिंपल सी चोटी, अच्छे से कॉम करके उसके बाद से चोटी बनाएगा, उससे हमारा जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा लगता है, ओके। अब इसको आपस में इस तरीके से राउंड राउंड करके लपेटेंगे और सेंटर में इसको सिक्योर कर देंगे। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल है, आप पार्टी में, वेडिंग में बना सकते हो, ब्राइडल पे भी बना सकते हो। इजी, क्विक एंड ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल है। अगर आपके पास डोनट बन वगैरह नहीं है तो आप सिंपली एक रबड़ बैंड है, यूपिंस है, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसमें यूपिंस जो स्टोन वाले आते हैं वो लगा दीजिए, या फिर जो भी आपके पास हेयर को डेकोरेट करने वाले प्रोडक्ट हैं उनसे आप इसको बना सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरीके से हेयर स्टाइल बन गया है। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ, फाइनल लुक देख सकते हो आप। अब चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ, तो ये देखिए,
ओके तो सेकंड हेयर स्टाइल भी बहुत इजी है, आपको सिंपली कॉम कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो ट्विस्टिंग किया था वो निकल रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक यूपिन लगा दिया। हाफ हेयर का सेक्शन लेना है और ये वाला इस तरीके से जो आता है हेयर स्टाइल बनाने वाला, हेयर बन बनाने वाला, इसमें इस तरीके से हेयर को फंसाएंगे और लपेट के सिंपली रबड़ बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लगा देंगे और इसको पूरा राउंड करेंगे नीचे तक, और एक यूपिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। ओके इस तरीके से दो तीन यूपिन्स लगा देंगे ताकि जो हमारा बन है वो अच्छे से स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी से खुले नहीं। अब सेंटर के हेयर को लेना है और इसको सिंपली ट्विस्ट करना है और राउंड राउंड लपेट के बीच में अटैच कर देना है। अगर ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे लगा देना है, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत टाइटली आप इसको ट्विस्ट कीजिए तो आराम से ये राउंड राउंड सा बन जाएगा और बीच में यूपिन से इसको सिक्योर कर दी। देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। थ्री मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है और जो बहुत ही इजी है, बिल्कुल जिनको हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी बना लेगा। इस तरीके से मैंने एक रोज फ्लावर इसमें डाल दिया था। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और थर्ड हेयर स्टाइल बनाएंगे। थर्ड हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी है, सिंपली आपको जो आपने सेंटर का हेयर लिया था बाकी हेयर स्टाइल वैसे ही रहने देना है। सेंटर के हेयर को ओपन करके इस तरीके से ट्विस्ट करना है और यहाँ पे क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। अगर वैसे नहीं होता तो इस तरीके से फिंगर की मदद से ऐसे ले लीजिए और क्लिप लगा दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। दूसरे साइड के भी हेयर को इसी तरीके से कॉम करेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड भी लगा देंगे अच्छे से पकड़ के। और जो नीचे के हेयर बचे हुए हैं उनको आपको सिंपली इस तरीके से आपस में क्रॉस करते हुए एक क्लिप और लगा देती हूँ। इसके बाद इनको, इन दोनों हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करके आपस में क्रॉस करके और यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे जूड़े के चारों तरफ लपेटते हुए। तो ये हमारा तीसरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। इसको भी आप फ्लावर बन यूपिन से डेकोरेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और आपको मेरी डमी का हेयर कलर पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर गोल्डन कलर का डमी हेयर स्टाइल चाहिए, गोल्डन हेयर पे आपको अच्छे से हेयर स्टाइल दिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं दूसरा गोल्डन कलर का डमी मंगाऊं और आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल शेयर करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।